अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको जो हमने पिछली वीडियो में एक वीडियो पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने इसकी ड्राइंग दिखाई थी, तो फ्रेंड्स आज इसकी मैं पेंटिंग आपको करके दिखा रही हूँ। और सॉरी, ये दो वीडियो पहले मैंने इसकी ड्राइंग दिखाई थी आपको, तो इसकी पेंटिंग आज मैं करके दिखाऊँगी। और इसमें मैं ये बताऊँगी कि हम पतले ब्रश को यूज़ कहाँ करते हैं और चौड़ा ब्रश जो हमारा होता है फ्लैट ब्रश उसका हम कहाँ यूज़ करते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो पूछ रहे हैं, कंफ्यूज हैं, तो उनके लिए मैं बताऊंगी कि आज हम कौन से ब्रश का कहाँ यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सकें हमारी यह डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमें जो हमारा ब्रश होता है, हमने यहाँ पे दो ब्रश लिया हुआ है, दोनों 2 नंबर के हैं। एक पेन ब्रश है और ये दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ, दूसरा फ्लैट ब्रश है, 2 नंबर का ये भी है। दोनों 2 नंबर ब्रश हैं, तो एक फ्लैट है, दूसरा पेन ब्रश है। ये दोनों ब्रश हम यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बाकी की और भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि फ्लैट ब्रश जो हम यूज़ करते हैं, जैसे हमारे बड़े फ्लावर होते हैं, तो जिस जो हम कलर फील करते हैं अपने फ्लावर में, जो कलर हम फील करते हैं उसमें जो कलर होता है हमारा, फिल करने में आसानी होती है फ्लैट ब्रश से। और ये जो पेन ब्रश होता है, तो इससे क्या है कि जहाँ आप बारीक जगह होती है, बारीक फ्लावर बनाएं, छोटा फ्लावर बनाएं, जैसे कि आप उसमें फ्लैट ब्रश यूज़ नहीं कर सकते, और उसको ऐसा फ्लावर है जिसमें हम बड़ा ब्रश लगाएंगे, जैसे आप फ्लैट ब्रश लगाएंगे तो हमारा जो डिज़ाइन है कलर उसके बाहर चला जाएगा। तो उस जगह पर हमें इस तरह से पेन ब्रश का यूज़ करना है। और जहाँ हमारी जैसे लीफ वगैरह हो गई थोड़ी बड़ी होती है, तो जैसे हमने यहाँ पे लीफ बनाई है, जैसी लीफ, इसमें हम 2 नंबर फ्लैट ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। इतनी बड़ी अगर आपको लीफ है, इससे बड़ी है, तो इसमें आप 2 नंबर 3 नंबर का ब्रश यूज़ कर सकते हो। और जहाँ पे बहुत छोटी बारीकी फ्लावर की जो कॉर्नर वगैरह होते हैं, बारीक होते हैं, जहाँ पर हम फ्लैट ब्रश का यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर हम पेन ब्रश का यूज़ करेंगे, क्योंकि इससे हमारा कलर जहाँ हम जितना चाहते हैं उतना ही रहता है, उससे आगे नहीं जाएगा, तो इसलिए हम पेन ब्रश का यूज़ करते हैं। तो अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे हमें कहाँ पे कौन से ब्रश का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पेंटिंग करेंगे और तो आपको बराबर समझ में आएगा कि हमें कौन सा ब्रश कहाँ यूज़ करना चाहिए और किस तरह से यूज़ करना चाहिए। तो आप उससे पहले फ्रेंड्स देख लीजिए कि हमने कलर कौन सा लिया है और इस पर हम कौन सा कलर लगाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 5 कलर लिया हुआ है। ये डीप ग्रीन आप देख सकते हैं, मरून, रेड और वाइट, ऑरेंज, मैंने 5 कलर लिया हुआ है। ऑरेंज आप देख सकते हैं, डीप ग्रीन जो है, डीप ग्रीन और रेड है, उससे मैं लीफ बना के आपको दिखाऊंगी। और जो हमारा मरून है, ऑरेंज है, वाइट है, उससे हम फ्लावर बनाएंगे। तो जो हम मरून कलर का शेड देंगे, बहुत लाइट देंगे, ज़्यादा नहीं देना है, बहुत लाइट देना है। और वाइट कलर का हमें उसमें फ्लावर में शेड देना रहेगा। और लिप में भी हमें कहीं कहीं वाइट, अगर वाइट कलर की ज़रूरत पड़ी तो लिप में भी हम वाइट कलर ले लेंगे। तो चलिए, मैं आपको पहले लिप करके दिखाती हूँ कि हमें किस तरह से करना है और कहाँ से हमें करना है। जो हमारी पहले ग्रीन वाला, जो हमारी लिप वाला है, लिप हमारी जो है, पहले हम उसी को करते हैं, क्योंकि उसे करने में हमारा काफ़ी फिनिशिंग अच्छी आती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं पेन ब्रश का यूज़ करूँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटी सी, आप देख सकते हैं, बहुत छोटी छोटी लीफ बनी है यहाँ पे, तो इसका हमें पेन ब्रश का यूज़ करना है। तो पहले मैं आपको उसकी जो गुलाब की डंठल होती है, तो मैं वो करके थोड़ा सा दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको लीफ बना के दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं, पेन ब्रश से काफ़ी आसानी होती है ड्राइंग करने में और उसे बनाने में। बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये वीडियो, और जो भी बिगनर्स हैं, वीडियो को पूरा और अच्छे से देखें और आखिर तक देखें, ताकि उन्हें पेंटिंग करने में आसानी हो और उनको पूरा बराबर समझ में आएगी कहाँ कैसे क्या करना है कि हमारा फ्लावर सही दिखेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने किनारे किनारे से इस तरह आउटलाइनिंग ड्रॉ कर दिए पहले ग्रीन कलर से। अब हमने यहाँ पे जो रेड कलर हमारा है उसको हम बीच में डाल देंगे, और उसी ब्रश से, मैं ब्रश को वॉश नहीं करूँगी, उसी ब्रश से करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, फ्लैट ब्रश से अगर हम करेंगे तो हमारा कलर जो है बाहर चला जाएगा। 2 नंबर फ्लैट ब्रश का भी यूज़ हम कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैं अभी डिज़ाइन, जो डंठल, मेन डंठल है रोज़ की, वहाँ पे 2 नंबर ब्रश हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया है, क्योंकि मैं पेन ब्रश से आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से आप बनाएं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी छोटी लीफ थी, तो हमने ग्रीन कलर का थोड़ा सा लगा दिया उसमें कलर, और इस तरह से जो हमारी थोड़ी सी जगह खाली है उसमें हम वाइट कलर लगाएंगे।
और उसी में थोड़ा सा रेड कलर का भी शेड दे देंगे और इससे हमारी लीफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी और खूबसूरत दिखेगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितनी खूबसूरत से लीफ बन गई है। तो इस तरह से जहाँ पे हमारे छोटे और बहुत छोटे फ्लावर रहते हैं, लीफ रहती है, तो इस तरह से हमें पेन ब्रश का यूज़ करना रहता है, और जहाँ पे हमारे बड़े फ्लावर रहते हैं तो उसमें हमें फ्लैट ब्रश का यूज़ करना रहता है। अगर कॉर्नर वगैरह है तो भी हमें पेन ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर भी हम पेन ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर हमारे फ्लावर बड़े हैं, लीफ बड़ी है, तो वहाँ पर हम फ्लैट ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। और पेन ब्रश बारीकी जहाँ है वहाँ पे यूज़ करें, जिससे आपको कलर भरने में लगाने में आसानी होगी। और फ्लैट ब्रश से आप लगाने की कोशिश करेंगे तो आपके कलर जो है ज़्यादा हो जाएंगे और जो आपकी डिज़ाइन ड्रॉ आपने की है उससे बाहर की तरफ निकल जाएंगे और आपके पेंटिंग में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो आपको समझ आ गया होगा कि मैंने आपको क्या बताया है। तो आप आगे की देखिए, मैं आपको पेंटिंग बताती हूँ किस तरह से करनी है। तो मैं इसमें जो हमारी लीफ है उसको मैंने डार्क रखा है और जो हमारा फ्लावर है उसको मैंने लाइट रखा है, उसको ऑरेंज मैंने बनाया है और इस डार्क कलर पे ऑरेंज कलर काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो अभी मैं आपको करने के बाद दिखाती हूँ कि कैसा हमारा फ्लावर दिख रहा है, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आप हम अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे फ्लावर के बैक साइड की लीफ है वो लगभग तैयार हो चुकी है। हमने चार लीफ बना ली है, पांचवी लीफ बाकी है, तो उसको भी हम बना लेते हैं। उसके बाद आपको आगे की पेंटिंग दिखाते हैं कि हमें बाकी की जो हमारी बड़ी लीफ है उसको कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप ना करें, बीच बीच से वीडियो को भगा के ना देखें, नहीं तो जो पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो उनको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। बीच बीच में कुछ ज़रूरी बातें आपको जानने की ज़रूरत है अगर आप पेंटिंग सीखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। आज की वीडियो में मैंने कुछ भी एडिट नहीं किया और कट नहीं किया, सब चीज़ मैं नॉर्मल दिखा रही हूँ। बिल्कुल जिस तरह से मैं बनाती हूँ सेम इसी तरह से दिखा रही हूँ ताकि आपको भरपूर अच्छे से समझ आए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी लीफ बैक साइड की तैयार है, इस तरह से हमें बनानी है। आप चाहें तो जो हमारे बीच में बैक साइड का फ्लावर की जो डंठल है उसमें आप व्हाइट कलर थोड़ा थोड़ा किनारे से लगा देंगे तो आपका जो आपकी जो डिज़ाइन है और भी अच्छी दिखेगी। तो मैंने नहीं लगाया है, अगर आप चाहते हैं तो आप लगा सकते हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने डंटल भी इसी तरह से बनाया हुआ है, ग्रीन कलर लगाया साइड से, रेड कलर लगा के इस तरह से मिक्स कर दिया। डंटल भी हमारी काफ़ी अच्छी आ रही है। इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो आपकी पेंटिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। ये बहुत कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, और सामने से आप देखेंगे इसको तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं कलर। दोनों कलर मिक्स होकर काफ़ी अच्छे दिखते हैं, डार्क है तो क्या बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी डंटल में बना रही हूँ, और अभी मैं आपको लीफ भी करके दिखाती हूँ कि किस तरह से लीफ को करना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी कुछ थोड़ी देर पहले आपसे बोला कि वीडियो को भगा के नहीं देखना है, वीडियो को पूरा देखना है, तो आप फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखें और उसको अच्छे से समझें। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं मैं आपको ग्रीन कलर करके दिखाती हूँ लीफ। पहले हमें जो हमारा डीप ग्रीन है इस तरह से लेना है और इस तरह से भरना है। बीच में हमें इस तरह से डीप ग्रीन लेके बीच से इस तरह से लगाना है, बीच बीच से, और इस तरह से दोनों साइड से हमें कलर करने हैं। इस तरह से हम लीफ को हम इस तरह से कलर लगा लेंगे इस तरह से, फिर बीच में वाइट कलर लगा के मिक्स कर देंगे जिससे कलर हमारा है थोड़ा लाइट हो जाएगा। फिर ग्रीन कलर किनारे से लगा के इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे और उसमें कलर को इस तरह से मिक्स करेंगे कि हमारे जो कलर की दोनों कलर की जॉइंट है वो पता ना चले। फिर इस तरह से हमें रेड कलर लेना है और इस तरह से आउटलाइनिंग करते हुए दोनों कलर को ग्रीन और रेड को दोनों में एक दूसरे में मिक्स कर देना। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हमने मिक्स किया इस तरह से कुछ मिक्स कर देना, तो आप देख सकते हैं हमारी एक साइड की लीफ कितनी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है। बस इसी तरह से हमें अब सेम प्रोसेस इसी तरह से हमें दूसरी साइड की भी लीफ बना देनी है और हमारी लीफ काफ़ी अच्छी सी बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो बिगनर्स हैं ये उनके लिए काफ़ी इजी है, काफ़ी आसान है और काफ़ी आसानी से वो बना पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सी लीफ मैंने आपको बताई है ताकि आपको शेड वगैरह कुछ ना देना पड़े। बस आप इस तरह से कलर लगाते हुए अपनी डिज़ाइन को बना सकें। आप आसान तरीका मैंने आपको बताया ताकि आपको आसानी से पेंटिंग आ सके। तो आप देख सकते हैं मैंने रेड कलर लगाया और इस तरह से डीप ग्रीन में उसको अच्छे से मिक्स कर दिया, तो हमारे बीच का कलर लाइट हो गया। उसके किनारे जो वाइट कलर के जो साइड में कलर डीप ग्रीन है उसका भी कलर रेड में मिक्स होकर थोड़ा डार्क बन गया, और जो हमारा रेड कलर है
मरून कलर का होके आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लीफ बन चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी लीफ तैयार है और इसी तरह से हमें बाकी की लीफ भी करनी है फ्रेंड्स। और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं दो लीफ अभी करके दिखा रही हूँ, तो आप उसमें समझने की कोशिश करें और वीडियो को अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो है कि जो मैंने लीफ बनाई हुई है वो हाफ हाफ लीफ दिख रही है, तो आप उसको भी ध्यान से देखें कि हाफ लीफ को कैसे बनाना है और आप किस तरह से बनाएंगे कि वो सही बन पाएगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मैं कैसे कलर लगा रही हूँ वो भी देखिएगा। तो फ्रेंड्स हमें बीच से ही लीफ स्टार्ट करनी है और जो हमारी बाकी की जगह बचेगी उसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, जो हमारे जिस पर हमारा फ्लावर ऊपर दिख रहा है लीफ पे, तो जो उस साइड की हमारी लीफ है उसको हम अपने हिसाब से भरेंगे ताकि कलर हमारा अच्छे से मिक्स होके आए। तो इसी तरह से आप ध्यान दें और वीडियो को ध्यान से देखें, और अगर कलर करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसी तरह से करने की कोशिश करें ताकि आपसे भी अच्छे से पेंटिंग बन पाए। तो इस तरह से हमने डीप ग्रीन लगाते हुए इस तरह से ऊपर से वाइट कलर का शेड दे देना है और फिर किनारे किनारे हमें डीप ग्रीन से इसको थोड़ा डार्क दे देना है वाइट कलर में मिक्स करते हुए। और इस तरह से जो हमारे ऊपर की साइड रहेगी इस तरह से वहाँ पे हमने आप देख सकते हैं किनारे पे हमने थोड़ा थोड़ा छोड़ा हुआ है ग्रीन डीप ग्रीन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डीप ग्रीन नहीं लगाया हुआ है, डायरेक्ट रेड कलर लगा के मिक्स कर रही हूँ। इसी तरह से हम मिक्स कर देंगे और इसी तरह से हम इस साइड भी रेड कलर का शेड दे देंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारी लीफ फटाफट से तैयार हो चुकी है। हमने दो लीफ बना लिया और आपको दिखाया भी कि किस तरह से हमने बनाया इसे। तो इंशाल्लाह आप भी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे से बन पाएगी और आप भी बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने आपको दो लीफ करके दिखा दिए, और आप भी इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि दो तीन चार लीफ बना के प्रैक्टिस करें। अगर आपको सीखना है तो आप एक लीफ बनाएं उसमें इस तरह का शेड दें, अगर आपसे नहीं बन रहा है तब दूसरी लीफ बनाएं उसमें शेड दें। इस तरह से आपकी लीफ बन भी जाएगी और आपको पेंटिंग भी आ जाएगी, तो आपकी प्रैक्टिस भी पूरी हो जाएगी। तो इसी तरह से आप एक लीफ बनाएंगे आपको उसमें थोड़ी सी बनेगी, दूसरी बनाएंगे तो उसमें थोड़ी और फिनिशिंग आ जाएगी, तीसरी बनाएंगे तो एकदम से अच्छी बन जाएगी। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस, जिस तरह हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, क्लास करते हैं और बचपन में हम लिखना सीखते हैं, बस उसी तरह से हमारी ये पेंटिंग भी है। पहले तो अच्छी नहीं दिखती है लेकिन जब हम इसे बार बार करते हैं तो वो काफ़ी खूबसूरत और अच्छी दिखने लगती है। और इसी तरह से अगर आप कलर करना सीखना चाहते हैं तो बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से पेंटिंग आ जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कलर अपोजिट कर दिया था, पहले ग्रीन कलर का शेड दे दिया था, तो भूल जाती हूँ मैं भी, तो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक मुझसे भी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर सही शेड नहीं आया है। तो इस तरह से पहले आप बीच में डीप ग्रीन लगाएं, उसके बाद वाइट कलर का उसमें शेड दें, फिर उसके ऊपर डीप ग्रीन का शेड दें, फिर तब रेड कलर का शेड दें। इस तरह से बनाएंगे तो आपकी लीफ खूबसूरत और अच्छी सी बनेगी, आपके शेड भी अच्छे से आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी तीन लीफ तैयार हो चुकी है, काफ़ी अच्छी लीफ बनी है। आपको मैं दिखा दे रही हूँ करके आपको कि हमारी तीनों लीफ कितनी अच्छी लग रही है। तो इस तरह से आप खूबसूरत लीफ बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आपको अच्छे से बनाने आ जाए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लीफ कितनी खूबसूरत लग रही है। बस इसी तरह से हमें जो हमारी बाकी की लीफ है, हाफ लीफ है, इसी तरह से हमें करनी है। तो मैं आपको अब फ्लावर करके बताती हूँ कि हमें फ्लावर को किस तरह से करना है। तो हम ऑरेंज कलर का, मरून कलर का, वाइट कलर का शेड देंगे फ्लावर में, तीन शेड से हम फ्लावर बनाएंगे। तो ये हमारी जो हमने शेड इसमें दिया है ये वेट शेड है, इसमें तीन कलर का शेड है, ये वेट शेड है। तो हमारा जब कलर गीला रहता है तभी हम इसमें दूसरा तीसरा कलर ऐड कर देते हैं, तो उसको वेट शेड बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसी तरह से हम आपको फ्लावर करके बताते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप ट्रेस पेपर से इसको ड्रॉ करते हैं तो आप पेंसिल से, अगर आप सीख रहे हैं तो उसको पेंसिल से दोबारा ड्रॉ कर लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ से कौन सी डिज़ाइन करनी है। अगर आप पेंसिल से ड्रॉ कर रहेंगे तो आपको बराबर समझ में आएगी
कौन सी डिज़ाइन कहाँ से आपको कलर भरना है, कितना पहले करना है ये समझ आएगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए ये भी ज़रूरी है, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कौन सी लीफ कहाँ से है और कौन सी लीफ कहाँ से है, इस तरह से आप कन्फ्यूज जाएंगे। तो आप इसे पेंसिल से ड्रॉ कर लें, इस तरह से ट्रेस पेपर या शीट से ड्रॉ करने के बाद, कन्वर्ट करने के बाद आप उसको पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा और कलर आप अच्छे से भर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे देखा कि मैंने ऑरेंज कलर को कैसे भरा हुआ, और इसी तरह से हम बहुत हल्का सा कलर लगाएंगे और इसी तरह से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ शेड देंगे, इस तरह से बहुत हल्का सा कलर लेना। फिर भी मुझसे ज़्यादा हो जा रहा है क्योंकि कलर काफ़ी नीचे चला गया है, इस वजह से ब्रश में ज़्यादा कलर आ जाते हैं, तो इस वजह से शेड हमारा थोड़ा डार्क आ गया है। तो बहुत थोड़ा सा कलर लेना और इस तरह से मिक्स करके मैं शेड दे देना है। और आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सिर्फ आउटलाइनिंग की है किनारे पे, ये जो हमारी फ्लावर, जो हमारा फ्लावर मुड़ा हुआ होता है उसकी परछाई नीचे रहती है तो वहाँ का कलर थोड़ा डार्क दिखता है, तो इसलिए हमने ऐसा बनाया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से हमने थोड़ा सा वाइट लगा के कलर को थोड़ा सा हल्का किया है, क्योंकि ज़्यादा डार्क हो गया था इसके लिए मैंने थोड़ा सा हल्का कर दिया है वाइट कलर लगा के। तो इस तरह से हमें बनाना है, क्योंकि हमारी बैक साइड की लिफ्ट थी इसके लिए हमने यहाँ पे वाइट कलर लगा के थोड़ा सा उसको लाइट कर दिया है। और जो हमने ये थोड़ी सी जगह छोड़ी है इसमें भी हम ऑरेंज कलर इस तरह से भरेंगे, और जहाँ पे हमने ब्राउन कलर से ड्रॉ की थी अभी जो हमारी परछाई दिखानी हमें कि मतलब फ्लावर मुड़ा हुआ है तो उसके नीचे जब जो भी हमारी चीज़ मुड़ी हुई होती है उसके अंदर थोड़ा अंधेरा टाइप रहता है, परछाई टाइप रहती है, तो हमने इसके लिए वहाँ पे डार्क किया था, जिसको सब 3D बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारा रियल में फ्लावर मुड़ा हुआ है ऐसा। तो इसके लिए हमने वहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे किनारे किनारे ब्राउन कलर लगाया था। तो आप देख सकते हैं हमारी लीफ कैसी मुड़ी हुई दिख रही है। तो बस इसी तरह से हमें जितनी भी हमारी मुड़ी हुई है, हमने पेटर्स बनाई है मुड़ी हुई, बस इसी तरह से बनानी है। और यहाँ पे किनारे किनारे की जगह भी हम वाइट कलर का इस तरह से लगाएंगे, जिससे हमारा कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा और हमारा फ्लावर काफ़ी अच्छा दिखेगा। इस तरह से हमें बनाना है। तो हमारा एक पेटर्स तैयार हो गया, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये इंशाल्लाह बनने के बाद भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। फ्रेंड्स, आप देखेंगे तो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट बताइएगा, कमेंट करिएगा, और वीडियो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे इतना समझ आता है कितने लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है और कितने लोग मेरी वीडियो को पसंद नहीं करते। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बैक साइड हमारी लीफ थी, तो इसके लिए हमने यहाँ पर पेन ब्रश का यूज़ किया था, और इस तरह से फिर वाइट हमने फ्लैट ब्रश से अंदर की तरफ लेते हुए उसको मिक्स कर दिया, और इसी तरह से हमारे जो फ्लावर का पेटल्स है वो काफ़ी खूबसूरत सा बन गया है और तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से बचा के हमें अपने जो हमारे बाकी के पेटल्स है इस तरह से बचा के करने हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरह से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा कलर जो ब्रश में था धुलने के बाद भी डीप ग्रीन निकला नहीं था तो उसमें फ्लावर में आ गया था, तो इसके लिए मैंने फिर से इसमें ऑरेंज कलर लगा दिया है और अच्छा नहीं दिख रहा था मुझको, तो इसके लिए मैंने फिर से इसमें ऑरेंज कलर लगा दिया है। तो बाकी के फ्लावर में बना के दिखाऊंगी आपको, तो आप उसमें देख सकते हैं कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने फिर से ऑरेंज लगाया, तो आपको क्या पता समझ में आया कि मैं फिर से क्यों लगा रही हूँ। तो उसमें मेरा डीप ग्रीन थोड़ा लग गया था, तो इसके लिए मैं फिर से दोबारा से ऑरेंज कलर लगा के उसको थोड़ा और कलर ज़्यादा कर रही थी ऑरेंजों का, ताकि थोड़ा उठ के दिखे ऑरेंज। ऑरेंज कलर बहुत हल्का दिख रहा था मुझको, ऐसा लग रहा था ग्रीन कलर उसमें ऐड हो गया है और अच्छा नहीं दिख रहा है, इसके लिए मैंने फिर से दोबारा से ऑरेंज कलर का शेड दे दिया उसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑरेंज कलर मेरा कितना अच्छा आ रहा है, जो भी मैं लीफ फ्लावर की लीफ बना रही हूँ यहाँ पर मेरा ऑरेंज कलर काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो इस तरह से हमारा ऑरेंज कलर आएगा, तो उसमें मेरा ग्रीन कलर मिक्स होकर आ रहा था इसके लिए मैंने ऐसा बनाया। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं इस तरह की हमारी मुड़ी हुई चोली, फिर इस तरह से ऑरेंज कलर लगाएंगे, और जो हमारी आउटलाइनिंग है आप देख सकते हैं उस पर हम
व्हाइट कलर का शेड देंगे। इस तरह से आप पेन ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। पेन ब्रश से मुझसे नहीं बनता है फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको फिर भी बना के दिखाती हूँ। और लेकिन मिक्स मैं फ्लैट ब्रश से ही करूँगी, मुझसे उससे काफ़ी आसानी होती है बनाने में। और मुझे पेन ब्रश की आदत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बताने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। मुझे पेन ब्रश की बिल्कुल भी आदत नहीं है और मुझसे पेंटिंग अच्छे से हो नहीं पाती और काफ़ी टाइम भी लग जाता है मुझे बनाते हुए, तो इसलिए मैं पेन ब्रश का यूज़ भी नहीं करती हूँ ज़्यादा, फ्लैट ब्रश का ही यूज़ करती हूँ। और काफ़ी फ्लावर छोटा है तो बन नहीं रहा है, तो मुझे पेन ब्रश का यूज़ करना हो रहा है, करना पड़ रहा है। नहीं तो मैं बड़े फ्लावर बनाती हूँ और उसमें फ्लैट ब्रश का यूज़ कर सकती हूँ करती हूँ, जिससे हमारे पेंटिंग बनाने में मुझे काफ़ी आसानी हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बहुत हल्का सा ब्राउन कलर लिया हुआ है और इस फ्लावर में मिक्स कर दे रही हूँ। और इस तरह से हमें वाइट कलर के किनारे किनारे इस तरह से देनी है, जिससे हमारी मुड़ी हुई पेटल्स की परछाई दिखेगी इस तरह से बनाने के बाद। जो हमारे तो हम कैसे कहीं धूप है तो कुछ ऊपर की साइड लगाते तो छांव बन जाता है, तो इस तरह लीफ मुड़ी हुई है तो उसके अंदर थोड़ा सी परछाई बन जाती है, तो बस उसी का शेड देना हमें मरून ब्राउन कलर से, उसी का शेड बनाना है इस तरह से कि नीचे अंधेरा टाइप दिख रहा है इस तरह से फ्लावर के अंदर जो है हमारा थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं। और इस तरह से हमें मुड़ी हुई लीफ बनानी है। इस तरह से बनाने के बाद हमें वाइट कलर का शेड दे देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ फ्लैट ब्रश से बहुत कॉर्नर पे मैंने बहुत ज़रा सा कॉर्नर पे लिया और इस तरह से मैंने शेड बना दिया है। और बस इसी तरह से आप आराम आराम से बनाएंगे तो आपसे भी बन जाएगा। और मैंने यहाँ पे फ्रेम में भी नहीं लगाया कपड़ा और इसी वजह से मुझसे और भी टाइम लग रहा है बनाने में। अगर फ्रेम लगा होता तो फटाफट खाली खींचना रहता है, और उससे फ्रेम लगा के थोड़ी आसानी होती है पेंटिंग करने में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ब्राउन कलर लगा के हमें इस तरह से शेड देना रहेगा। और इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि जो हमारा ब्राउन कलर है वो ऑरेंज में अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि वो हमारा जो पेटल्स है वो काफ़ी अच्छा दिखे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी कलर हमारा मिक्स हो चुका है और काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है। आपको भी अच्छे से दिख रहा होगा, आपको भी समझ आ रहा होगा कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए कि किस तरह से बनाना है। और इस तरह से हम सारे किनारे की डिज़ाइन करते करते आखिर में जो हमारी है बीच की डिज़ाइन आखिर में करेंगे। तो इस तरह से हम और इस तरह से बना किनारे की साइड बनाते हुए जब हम आएंगे तो हमारे फ्लावर में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी और हमारा फ्लावर जो है काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से जैसे हमने आपको शेड बताया वाइट कलर का लगाना है, तो इस तरह से हमें सब जगह जहाँ पे हमारी मुड़ी हुई लीफ है इस तरह से लगाने हैं। और बीच बीच में हमें जो हमारा मरून कलर ब्राउन कलर है तो उसको हमें इस तरह से शेड दे के कलर को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ताकि हमारी जो लीफ है थोड़ी सी डार्क लाइट इस तरह से दिखे, तो आपके फ्लावर में काफ़ी फिनिशिंग और खूबसूरती दिखेगी। तो हमें अपने हिसाब से कलर को मिलाते जाना है और पेंटिंग करते जानी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो डिज़ाइन है लगभग हमने आधा जो फ्लावर हमारा आधा तैयार हो चुका है। और इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से मिलाया है, आप भी इस तरह से मिलाने की कोशिश करें और फ्लावर बनाएं अच्छे से, ताकि आपकी डिज़ाइन अच्छे से बन सके। तो यहाँ पर हमारी डिज़ाइन इस साइड की लीफ जो है हमारी तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स मैं आप सबसे और ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि कॉल करते हैं और टाइम पास करते हैं, क्योंकि मैं खाली नहीं रहती हूँ, मुझे भी काम रहता है और उन्हें कोई काम नहीं रहता फिर भी वो काम करते। तो फ्रेंड्स आप सब ऐसा ना करें, बार बार कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई काम है बहुत ज़रूरी है तभी आप कॉल करें, मैसेज करें, नहीं तो टाइम पास ना करें, क्योंकि
मैं हमेशा खाली नहीं रहती हूँ, मुझे भी काम रहता है, तो मैं आपके रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो आप नाराज़ भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ज़रूरी है तभी आप मैसेज या फिर कॉल करें, और अगर नहीं है तो नहीं करें। बहुत लोगों को कुछ बनवाना नहीं रहता, कुछ करना नहीं रहता, फिर भी कॉल करके परेशान करते हैं, तो ऐसा ना करें फ्रेंड्स। क्योंकि मैं भी अपना काम करती रहती हूँ और वो बार बार छोड़ के उठती हूँ, तो मेरा टाइम वेस्ट होता है और मेरे काम में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है कि आप अगर आपको ज़रूरी काम है तभी आप मुझे डिस्टर्ब करें, वरना ऐसे ही बिना वजह कॉल ना करें। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे फ्लावर देख ही चुके हैं, तो बस अब इसी तरह से हमें बाकी के भी फ्लावर करने हैं।
फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फ्लावर को काफ़ी पूरा लगभग बना के दिखाया ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और आप अच्छे से देख सके। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमें आप देख सकते हैं हमारा लास्ट में दो एक लीफ बची है जो कि पीछे की साइड मुड़ी हुई है, तो बस उसको हम सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि हमें हमारी स्टार्टिंग यहीं से होती है। जो हमारी लीफ अभी बची हुई है हमारी स्टार्टिंग यहीं से होती है फ्लावर की और यहीं पे आके ख़त्म होती है, मतलब जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फ्लावर को ड्रॉ करना पेंटिंग हमारी वहाँ पे ख़त्म होती है, ड्राइंग वहीं से शुरू होती है और पेंटिंग हमारी वहीं पे ख़त्म होती है, इस तरह से हमें बनाना है। तो आप इन्हीं सब बातों का ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपको पेंटिंग आसानी से आ जाएगी और आप भी आसानी से पेंटिंग कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने बीच में पहले ऑरेंज कलर भरा हुआ है, फिर हमारी जो आउटलाइनिंग हमने थोड़ी थोड़ी छोड़ी हुई है उसमें हम वाइट कलर लगाएंगे इस तरह से और नीचे की तरफ ऑरेंज कलर में मिक्स करते हुए इस तरह से कलर को मिक्स कर देंगे और इस तरह से दोनों साइड से हम यही प्रोसेस करेंगे। और जो हमारे बीच का हिस्सा है उसमें हम थोड़ा सा ब्राउन कलर लगा के उसको भी मिक्स कर देंगे, इस तरह से हमने वाइट कलर लगाया इस तरह से। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी लीफ हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें पतले ब्रश की ज़रूरत है आउटलाइनिंग करने के लिए, तो हम यहाँ पतला ब्रश यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह जहाँ पे हमारी बारीक डिज़ाइन होगी हम वहाँ पतले ब्रश का यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी डिज़ाइन लगभग तैयार हो चुकी है। अब हमारी लीफ के नीचे का जो हिस्सा है फ्लावर के पेटल्स का जो नीचे का हिस्सा है बस एक पेटल्स हमारा बाकी है और उसी को हम करेंगे और उसके बाद हम बताते हैं कि और हमें क्या करना है। तो उसमें भी सेम प्रोसेस हमें ऑरेंज कलर भर देना है और काफ़ी बचा के आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप ये पहले कर लेंगे जो ऊपर हमने लीफ बनाई हुई है बी जो हमने ऊपर के फ्लावर के लिए बनाई है जो हमारी लंबी सी है मटर जैसी मटर फली जैसी, तो उसको हमें अगर आप लास्ट में बनाएंगे तो आप फ्लावर की फिनिशिंग और अच्छी आएगी। तो पहले हमें यू सेप जो हमारा है वो बना लें उसके बाद ये जो है उसको बाद में बनाएं आप, तो आप फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ऑरेंज कलर का भर लिया है, अब हमें किनारे किनारे से वाइट कलर लगाना है यू सेप का जो हमारा हिस्सा है। और इस तरह से हम जो हमारा वाइट कलर वहाँ पर हम इस तरह से ब्राउन कलर का बहुत हल्का सा शेड देंगे जिससे हमारा ऑरेंज कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा और वाइट कलर थोड़ा उठ के दिखने लगेगा। तो नीचे हमारा जो कलर परछाई होती है तो उसकी वजह से कलर हमारा थोड़ा डार्क दिखने लगता है, तो इस तरह से हमारा कलर दिखेगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से वाइट लगाने के बाद जो हमारा फ्लावर का पेटल्स है वो थोड़ा उठ के दिखेगा, तो इसलिए हम वाइट कलर का यूज़ करते हैं और इस तरह से बनाते हैं बस इस तरह से घुमाते हुए, एक साइड का होगा ये हमारा दूसरे साइड का हो गया। तो आपने देखा कि हमने कितने अच्छे से आसानी तरीके से हमने ये बना लिया और काफ़ी आसानी से हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। तो आप देख सकते हैं बैक साइड से फ्लावर कितना खूबसूरत और अच्छा सा दिख रहा है, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आया होगा क्योंकि ये डिज़ाइन बहुत अच्छी है। अगर आपको छोटी डिज़ाइन नहीं बनती तो आप इसकी बड़ी डिज़ाइन अगर बनाएंगे तो आपसे पेंटिंग करने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी और आप आसानी से बना भी पाएंगे। ये मैंने बहुत छोटी डिज़ाइन बताई थी, इसके लिए इसमें टाइम भी लग गया बताने में और बिगिनर को थोड़ा समझाना था तो इसके लिए और भी टाइम लग गया, तो इसके लिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है। तो इस तरह से फ्रेंड्स देख आप सकते हैं कि हमारी जो जहाँ जहाँ हमारा कलर थोड़ा लाइट दिख रहा है तो वहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जो हमारा ब्राउन कलर लेके उसको हम ऑरेंज कलर में अच्छे से मिक्स कर देंगे और जिससे हमारा फ्लावर अच्छा दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लावर कैसा दिख रहा है, काफ़ी खूबसूरत और अच्छा सा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा और बनाइएगा और आपसे बना नहीं बना वो भी बताइएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दूँगी, आप वहाँ से मेरा व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं और मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं, मुझे टाइम मिलते ही मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो फ्रेंड्स ये फ्लावर मैंने तैयार कर लिया है, अब मैं आपको कली भी करके दिखा देती हूँ कि कली कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स उसको भी आप ध्यान से देखें और बनाने की भी कोशिश करें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने सेम प्रोसेस वही किया है, जिस तरह हम अपने लाइन ड्रॉ करे रहेंगे उसी तरह से हम अपना कलर भी भर लेंगे। तो हमने बैक साइड हमारा जो है
फ्लावर की जो डंठल बनाई हमने मरू रेड और डीप ग्रीन से बनाया हुआ, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इस तरह से कलर को मिक्स करते हुए हम बनाएंगे और इस तरह से ऑरेंज कलर का भरेंगे बीच में। जब हमारी कली होती है गुलाब की, जो कली होती है जब फूटती है तो इस तरह की दिखती है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरह से बनाया हुआ है और ये काफ़ी अच्छी खूबसूरत सी दिख रही है। तो इसी तरह से आप भी बनाने की कोशिश करें और बनाएं, मुझे भी बताएं कि आपको बनाने आ गया या नहीं आया। तो मुझे भी बहुत इंतज़ार रहता है कि कौन कौन बना पाते हैं और मुझ तक शेयर करते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है कि कोई मुझसे सीख रहा है और काफ़ी खुश हो रहा है। अगर उसको आता है, वो खुश हो रहा है, तो मुझे भी बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। क्योंकि कोई चीज़ होती है तो किसी को अच्छी लगती है, वो इसका भी दिल कहता है कि मैं बनाऊं और मुझसे बने। तो मैं भी सोचती हूँ कि कोई किसी को अगर कोई चीज़ अच्छी लगे तो वो भी बना ले। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कली कितनी खूबसूरत दिख रही है। बस बहुत ही इजी है, कली बनाना भी बहुत इजी है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको पूरी वीडियो दे, इसमें मैंने ऊपर भी लीफ है, मैंने वो आपको करके नहीं दिखाया है। 3 लीफ मैंने पहले ही करके दिखा दिया था, तो मैंने डायरेक्ट आपको कंप्लीट डिज़ाइन अब दिखा रही हूँ कि किस तरह से बनानी है। इस तरह से छोटे छोटे आप खींच देंगे कली में, तो आपकी कली और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेगी। और इसमें हल्का हल्का रेड कलर का मिक्स कर देंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पे फ्लैट जो हमारा पिन ब्रश है उसका यूज़ करना है। हमें इस तरह से बारीक बारीक खींचना है और इससे काफ़ी डिज़ाइन हमारी अच्छी हो जाएगी। आप देख सकते हैं तो काफ़ी खूबसूरत, आप देख सकते हैं कली कितनी खूबसूरत लग रही है। बस इसी तरह से हमें पेंटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके साथ पूरी भी डिज़ाइन शेयर की हूँ लास्ट वीडियो तक, आप ज़रूर देखें। इसमें पूरी डिज़ाइन है, पूरी कंप्लीट डिज़ाइन मैंने करके दिखाया है इस वीडियो में, तो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे sidra.26 को सपोर्ट करें। ये मेरा दूसरा चैनल है sidra.26। तो फ्रेंड्स आप इस डिज़ाइन की कंप्लीट डिज़ाइन देखिए, क्योंकि मैंने पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको इसकी पूरी कंप्लीट डिज़ाइन मिलेगी, क्योंकि मैंने कंप्लीट डिज़ाइन इसमें करके दिखाया है। अगर आप इस डिज़ाइन की बेडशीट बनाना चाहते हैं तो इस डिज़ाइन को थोड़ा बड़ा बनाएं, और मैं यहाँ से डिज़ाइन मंगवा भी सकते हैं। क्योंकि अगर स्टेप बाय स्टेप फ्लावर के ऊपर फ्लावर रखते हुए आप डिज़ाइन बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो आपका बॉर्डर भी बन जाएगा और आप अच्छी सी डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर इसको आप सर्कल में भी बनाना चाहते हैं, डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन रखते हुए सर्कल घुमा के बनाना चाहते हैं, तो आपका सर्कल भी बन जाएगा। बेडशीट पे आप इस तरह का डिज़ाइन अगर बनाएंगे तो काफ़ी खूबसूरत और अच्छी दिखेगी। अगर आप डिज़ाइन मंगवाना चाहते हैं तो आपको डिज़ाइन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर डिज़ाइन मंगाने के लिए आप मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा और मुझे कॉन्टेक्ट करिएगा। अगर आपको डिज़ाइन चाहिए तो मैं आप तक डिज़ाइन पहुँचा दी जाएगी। ये डिज़ाइन केवल आपको सस्ते रेंज मिल जाएगी, काफ़ी इसकी प्राइस कम है। बस कुरियर चार्ज का जो आपका लगेगा वही लगेगा और डिज़ाइन का रेंज कम है। तो आप डिज़ाइन देख सकते हैं कंप्लीट डिज़ाइन कितनी खूबसूरत है फ्रेंड्स। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा। क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे ये ज़रूर समझ आता है कि कितने लोग मेरे वीडियो को पसंद करते हैं और कितने लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स मैं फिर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।